हाय फ्रेंड्स, मैं अजय तोमर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फोटोशॉप में आप कैसे किसी शेप लेयर को या टेक्स्ट लेयर को फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप फ्रेम टूल के बारे में नहीं जानते हैं तो फ्रेम टूल के लिए आप मेरी ये वीडियो, जिसका लिंक आपको ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, देखकर सीख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं, फ्रेम टूल का यूज किसी इमेज को किसी अनदर इमेज के पार्टिकुलर पोर्शन में प्लेस करने के लिए किया जाता है। यहां से फोटोशॉप में मैं इस इमेज को ओपन कर रहा हूं। आप फ्रेम टूल का यूज करके ओनली रेक्टेंगुलर या एलिप्टिकल फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा किसी भी शेप का फ्रेम क्रिएट करना या टेक्स्ट लेयर को फ्रेम में कन्वर्ट करना। सबसे पहले किसी भी शेप को फ्रेम में कन्वर्ट करना, इसके लिए सिंपली आप यहां से शेप टूल पर जाएं और जैसे ही आप यहां पर राइट क्लिक करेंगे, आपको यहां पर डिफरेंट शेप टूल मिलेंगे, जिनको यूज करके आप डिफरेंट शेप क्रिएट कर सकते हैं। इनके अलावा यहां से आप कस्टमाइज शेप टूल को सिलेक्ट करके आप यहां से डिफरेंट शेप क्रिएट कर सकते हैं। यहां से मैं इस शेप को सिलेक्ट कर रहा हूं। अब यहां से मैं ये शेप इस इमेज के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं। ये शेप इस इमेज के ऊपर ड्रॉ हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस शेप को फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली यहां से लेयर मेन्यू पर जाएं और यहां से न्यू के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट टू फ्रेम। इस पर क्लिक करके आप इस शेप को फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं, ये आप पर न्यू, यहां पर ये न्यू फ्रेम का ऑप्शन आ रहा है और इस पर ओके प्रेस करके आप इसको फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको इसके अंदर कोई इमेज प्लेस करनी है तो सिंपली आप यहां से फाइल पर जाएं और यहां से प्लेस एम्बेडेड या प्लेस लिंक का यूज करके आप इसके अंदर कोई इमेज प्लेस कर सकते हैं, या सिंपली यहां से आप बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक करके इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहां पर ये इमेज इस कस्टमाइज फ्रेम के अंदर प्लेस हो गई है। अनदर एग्जांपल के लिए मैं यहां से इस इमेज को ओपन कर रहा हूं। अब आप यहां से फिर से कोई भी शेप सेलेक्ट करके, इनके अलावा भी हमें कुछ और शेप्स दी हुई हैं जो आपको यहां पर सेटिंग के आइकन पर क्लिक करने से मिलेंगी। यहां से मैं ऑल सेलेक्ट कर रहा हूं और इसके अंदर से आप कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहां से इस शेप को सेलेक्ट कर रहा हूं और इसके ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं। अभी मैंने आपको बताया था किसी भी शेप को फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए आपने यहां से लेयर पर जाकर क्लिक किया था। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है, उसके लिए आप सिंपली शेप लेयर पर जाएं और यहां से राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू फ्रेम पर क्लिक करके भी आप यहां से इसको फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये यहां से हमारा फ्रेम क्रिएट हो गया है। अब जैसे ही मैं यहां से बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक कर रहा हूं, ये इसके अंदर प्लेस हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगा किसी टेक्स्ट लेयर को फ्रेम में कन्वर्ट करना। इसके लिए मैं यहां से फोटोशॉप के अंदर इस इमेज को ओपन कर रहा हूं। और यहां से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके मैं एक टेक्स्ट क्रिएट कर रहा हूं। इसका मैं साइज थोड़ा यहां से कम कर रहा हूं। अब मैं आपको इस टेक्स्ट को फ्रेम में कन्वर्ट करना बताऊंगा। इसके लिए सिंपली इस टेक्स्ट लेयर को सेलेक्ट करें और राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू फ्रेम पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये फ्रेम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यहां से मैं अंडू कर रहा हूं। इसके अलावा आप यहां से लेयर पर जाकर न्यू के अंदर भी कन्वर्ट टू फ्रेम को सेलेक्ट करके इसे फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं इस बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक कर रहा हूं, आप देख सकते हैं ये इसके अंदर
प्लेस हो गई है। यहां से मैं एक और लेयर क्रिएट कर रहा हूं और यहां से इसके अंदर मैं फिल दे रहा हूं। इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूं। अब आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट यहां पर फ्रेम में कन्वर्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे आप इजी स्टेप यूज करके किसी भी कस्टमाइज शेप को या किसी टेक्स्ट की लेयर को फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।